हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को MT2 लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2022 में पूछे गए ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पहला स्टेटमेंट है, द आइगन वैल्यूज ऑफ अ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर ऑन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस आर ऑल रियल। तो हम कहेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। प्रूफ के रूप में हम इस तरह से देंगे, लेट भी विथ दिस मैपिंग बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है, एंड टी बिलोंग टू द सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी, बी सेल्फ एडजॉइंट, ठीक है। लेट अल्फा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ टी, देन देयर एग्जिस्ट वी बिलोंग टू वी वेयर वी इज नॉट इक्वल टू जीरो सच डेट टी वी इज इक्वल टू अल्फा वी। नाउ अल्फा इंटू वी कॉमा वी इज इक्वल टू अल्फा भी कॉमा भी, ठीक है, इज इक्वल टू टी भी कॉमा भी, हमें यहाँ दिया हुआ है टी भी इज इक्वल टू अल्फा भी, तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर थ्योरम के अनुसार भी कॉमा टी स्टार भी, ठीक है, इज इक्वल टू फिर यहाँ भी कॉमा टी भी, क्योंकि सिंस टी इज इक्वल टू टी स्टार हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इज इक्वल टू भी कॉमा टी भी की जगह फिर हम अल्फा भी ले लेंगे, इज इक्वल टू यह किसके इक्वल हो जाएगा अल्फा बार इंटू भी कॉमा भी। अब सिंस भी कॉमा भी इनर प्रोडक्ट ऑफ भी विथ भी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर अल्फा बार इज इक्वल टू अल्फा, दिस मीन्स अल्फा बिलोंग्स टू आर एंड हेंस द आइगन वैल्यूज ऑफ अ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर ऑन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस आर ऑल रियल, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एवरी यूनिटरी मैट्रिक्स इज हर्मिशियन, हम कहेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। काउंटर एग्जाम्पल इस तरह से दे देंगे, दिस मैट्रिक्स इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स, इट्स कंजुगेट ट्रांसपोज इज दिस मैट्रिक्स, ठीक है, सिंस दिस दिस एंड दिस आर नॉट इक्वल, ठीक है, देयरफॉर दिस यूनिटरी मैट्रिक्स इज नॉट हर्मिशियन, ठीक है, मतलब यूनिटरी मैट्रिक्स जो है यदि इसका कंजुगेट ट्रांसपोज इसके इक्वल हो जाता, खुद के इक्वल होता, इस यूनिटरी मैट्रिक्स के इक्वल होता, तब हम कहते कि मतलब जो है यूनिटरी मैट्रिक्स जो है हर्मिशियन है, चूँकि यहाँ पर हमें इसका कंजुगेट ट्रांसपोज इक्वल नहीं है, देयरफॉर दिस यूनिटरी मैट्रिक्स इज नॉट हर्मिशियन, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन, If S1 is a subset of S2 are subsets of a vector space and S1 is linearly independent, S2 is also linearly independent. तो हम कहेंगे the given statement is false. Counter example इस तरह से show कर देंगे, let R square be a vector space of which S1 is equal to 1001 and S2 is equal to 100123. ठीक है, R subsets such that S1 is contained in S2. हियर S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, यहाँ पर S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बट S2 इज लीनियरली डिपेंडेंट, यानी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज -2 इंटू 1,0 प्लस -3 इंटू 0,1 प्लस 1 इंटू 2,3 इज इक्वल टू 0,0, ठीक है। अब इसके बाद अगला, फॉर एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम R³ टू R² कर्नल ऑफ टी इज नॉट इक्वल टू सिंगलटन 0, तो कहेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। प्रूफ के रूप में इस तरह से लिखेंगे, सिंस डायमेंशन ऑफ R³ ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ R² देयरफॉर टी इज नॉट 1,1 एंड हेंस कर्नल ऑफ टी इज नॉट इक्वल टू सिंगलटन 0। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट है, देयर इज ए लीनियर ऑपरेटर टी विथ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x-1 होल स्क्वायर इंटू x-2 एंड मिनिमल पॉलिनोमियल x-1 होल स्क्वायर, तो हम कहेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। प्रूफ के रूप में इस तरह से लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड मिनिमल पॉलिनोमियल शुड हैव सेम रूट्स, ठीक है, बट हियर रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज 1 और 2 एंड मिनिमल पॉलिनोमियल इज ओनली 1, मतलब यहाँ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का रूट 1 और 2 है, जबकि मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट सिर्फ 1 है, जबकि हमें दोनों का रूट सेम होना चाहिए, इसलिए हम क्या कहेंगे, ऐसा लीनियर ऑपरेटर टी पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
जिसका कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू हो और मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।